हेलो दोस्तों, वर्तमान समय में नए नए वीडियोस कंटेंट डेवलप किए जा रहे हैं। वीडियो कंटेंट भरपूर आपके सामने आ रहा है और उसमें नए नए ट्रेंड डेवलप हो रहे हैं। तो क्या होंगे नए ट्रेंड्स और किन ट्रेंड्स को लेकर के आप अपने वीडियोस को एंगेजिंग और प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने व्यूअर के अटेंशन ग्रैब कर पाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं आने वाले समय में या वर्तमान समय में कौन कौन से ट्रेंड है जो वीडियो एडिटिंग में यूज किए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रामा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेंडिंग कंटेंट डेवलपमेंट के बारे में। वीडियो कंटेंट डेवलप करने की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, लेकिन जो वीडियो एडिटिंग करने का काम होता है उसमें बहुत सारे ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ते हैं। यदि आपको अपना वीडियो बहुत ज्यादा एंगेजिंग रखना है या अपने अटेंशन ग्रैब करनी है व्यूअर की, तो करंट में जो ट्रेंड चल रहे हैं उनको आपको अपने वीडियो एडिटिंग करने के दौरान यूज करना पड़ेगा। तो आज हम सबसे पहला बात करते हैं टाइटल को लेकर के। टाइटल मतलब टेक्स्ट। आज में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में, चाहे रील्स में हो, चाहे फुल वीडियो में, चाहे शॉर्ट वीडियो में, हर जगह में आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट दिखता रहता है। इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट के रूप में भी मिलती रहती है। यदि आप अपने वीडियो को और एंगेजिंग बनाना चाहते हैं और अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, तो आपको कलरफुल, स्पीडी, लाइट इफेक्ट के साथ टेक्स्ट को प्रेजेंट करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि टेक्स्ट से आपके व्यूअर अटेंशन में आते हैं और आपका एंगेजमेंट बढ़ जाता है। इस टेक्स्ट को आपने वीडियो में ऐड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, चाहे आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो या मोबाइल ऐप में हो। मोबाइल ऐप में तो पूरी दुनिया ही बदलती है टाइटल को लेकर के, क्योंकि हर वीडियो में ऐड करने के लिए बहुत सारे इफेक्ट, बहुत सारे प्रीसेट, बहुत सारे ट्रांजिशन टाइप के टेक्स्ट आ गए हैं। वो चाहे कोई भी ऐप हो, मोबाइल ऐप में तो भरमार हो गई है टेक्स्ट के लिए। आप बीएन ऐप ले लीजिए, काइनमास्टर ले लीजिए, कैपकट ले लीजिए, हर कहीं पर भी आपको टेक्स्ट को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं। दूसरा ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो टेक्स्ट का ही सब रूप है, जिसे हम कैप्शन या सबटाइटल बोलते हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस को म्यूट करके देखते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आपको कैप्शन या सबटाइटल होना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोगों को आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो टाइटल देख करके वो चीज आपकी समझ पाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, जिससे कि आपकी रिटेंशन रेट और बढ़ जाती है, आपका व्यूअर इंगेज हो जाता है कैप्शंस और सबटाइटल को लेकर के। ट्रेंडिंग वीडियो बनाने के लिए वीडियो पेस बहुत जरूरी होता है। वीडियो पेस का मतलब होता है स्पीड। आजकल क्या हो गया है कि व्यूअर का अटेंशन रेट बहुत लो होता चला जा रहा है, बहुत कम समय देते हैं वो वीडियो को देखने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी उनका मूड स्विंग हो जाता है। तो आपके अपने वीडियो को थोड़ा पेस को बढ़ा के रखना पड़ेगा। पेस बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने वीडियोस के पेस को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप चाहे बी रोल का यूज कीजिए, ट्रांजिशन का यूज कीजिए, टू विंडो का यूज करिए, टेक्स्ट का यूज करिए, या फोटोग्राफ्स का यूज करिए, या अन्य किसी चीज का यूज करके आप अपने वीडियो रिटेंशन रेट को कुछ बढ़ाने के लिए आपको पेस वीडियो को रखना पड़ेगा। वो म्यूजिक को लगा करके भी आप अपने पेस को बढ़ा सकते हैं। जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप ध्यान में रख करके उसमें आप वीडियो को पेसी जरूर बनाइए। उसको आप म्यूजिक से लगा करके, ट्रांजिशन लगा करके, टेक्स्ट लगा करके, वीडियो लगा करके या इमेज को लगा करके आप पेसी बना सकते हैं। ट्रेंडिंग वीडियो बनाने के लिए वीडियो एडिटिंग में बी रोल्स का बहुत योगदान होता है, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई आदमी बी रोल के बिना वीडियो बनाता है तो बहुत बोरिंग हो जाता है। वीडियो कोई भी हो, लॉन्ग वीडियो बना रहे हो, शॉर्ट वीडियो बना रहे हो या रील्स बना रहे हैं, तो यदि आप उसमें बी रोल का यूज करके आप अपने कंटेंट को और वैरायटी दे देते हैं शॉर्ट्स की, फुटेज की या इंफॉर्मेशन की, जिससे क्या होता है एंगेजमेंट बढ़ता रहता है। तो आने वाले समय में ये ट्रेंडिंग में रहेगा कि बी रोल्स का आप जितना ज्यादा, जितने क्वालिटी वाले सिनेमेटिक शॉर्ट्स का प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा रिटेंशन रेट बढ़ता रहेगा, ये एकदम तय है। तो इसलिए जब भी आप जिस भी टॉपिक पे कोई वीडियो बनाए उससे रिलेटेड बी रोल्स का व्यवस्था जरूर कर लें, चाहे आप स्टॉप शॉर्ट्स करें या शूट करके करें। बी रोल्स के बिना वर्तमान समय में ट्रेंडिंग वीडियो बनाना संभव नहीं है। जब भी आप बी रोल लगाएं तो आपको देखना पड़ता है आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे रिलेटिव होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए और सिनेमेटिक शॉर्ट्स होना चाहिए। और ज्यादातर बी रोल्स को स्लो मोशन में यूज किया जाता है, जिससे कि आपका रिटेंशन रेट और बढ़ता रहता है। ट्रेंडिंग वीडियो बनाने के लिए वर्तमान समय में स्प्लिट स्क्रीन का यूज बहुत किया जाता है। स्प्लिट स्क्रीन का मतलब यह होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो एक से ज्यादा वीडियो को स्क्रीन पे दिखाते हैं, जिसे आप बी रोल भी दिखा सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बताया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील्स और शॉर्ट्स के आ जाने से
स्प्लिट स्क्रीन का रोल बढ़ता जा रहा है। स्प्लिट स्क्रीन से आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा दे पाते हैं, बी रोल ज्यादा यूज कर पाते हैं, जिससे कि आपका वीडियो का पेस ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ नजर आता है। आप टू विंडो, थ्री विंडो, फोर विंडो ग्राफिक्स के साथ में या स्टिल के साथ में, वीडियो के साथ में, आप एक से ज्यादा स्प्लिट स्क्रीन करके आप अपने वीडियो को और इंगेजिंग बना सकते हैं, जिससे कि वीडियो में पेज क्रिएट हो जाता है, व्यूअर अटेंशन ग्रैप होती है और आपका वीडियो में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, जिससे कि व्यूअर वहां पर बना रहता है। तो ट्रेंडिंग वीडियो बनाना है तो आपको स्प्लिट स्क्रीन का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका वर्तमान समय में आप ट्रेंडिंग वीडियो बना पाएंगे। आप कहीं पर भी कोई भी रील्स देख लीजिए, कोई शॉर्ट वीडियो देख ले, कोई भी इंफॉर्मेशन देख ले, फैक्ट वीडियो देख ले, रिलीजियस वीडियो देख ले, हर जगह आपको स्प्लिट स्क्रीन का यूज करके ही वीडियो बनाया जा रहे हैं। तो ट्रेंडिंग में आजकल स्प्लिट स्क्रीन बहुत ज्यादा है। वर्टिकल वीडियो, वर्तमान समय में ट्रेंडिंग में वर्टिकल वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो चाहे रील्स हो चाहे शॉर्ट्स हो, हर जगह लोग वर्टिकल वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। वर्तमान समय में जो भी आप वीडियो बना रहे हैं उनको आप वर्टिकल वीडियो में जरूर कन्वर्ट करें, कि वर्टिकल वीडियो का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और वो बहुत ज्यादा इंगेजिंग होते हैं और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए आने वाले समय में, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि ट्रेंड में वर्टिकल वीडियो तो रहेंगे रहेंगे, इसलिए वर्टिकल वीडियो कैसे शूट करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे एंगेजिंग बनाना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, उन सारी टेक्निक्स का यूज करके आप वर्टिकल वीडियो को प्रभावशाली बनाना ही होगा। एक और ऑप्शन होता है जो ट्रेंड में है, वो है ट्रांजिशन का दौर। वर्तमान समय में जो भी चीज आप प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन पे, कट टू कट लोग पसंद नहीं करते हैं, उसमें कोई ना कोई इफेक्ट यूज किया जाता है, उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। इसलिए आने वाले समय में वीडियो एडिटिंग के दौर में ट्रेंडिंग में आपको ट्रांजिशन तो रहेंगे रहेंगे। वर्तमान समय में जो भी मोबाइल ऐप आ रहे हैं, जो भी आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, हर जगह पे ट्रांजिशंस को, सीमलेस ट्रांजिशंस को, वर्टिकल ट्रांजिशंस को, मास्किंग ट्रांजिशन को यूज किया जा रहा है। तो ट्रांजिशन बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करने वाले हैं वर्तमान समय में ट्रेंडिंग वीडियो बनाने के लिए। मेरे द्वारा बताए गए कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको ट्रेंडिंग आपके लिए काम करेगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक की रामा की राम राम। अरे हाँ, यदि आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे जाइए, वहां पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं, चाहे आपको ईडीएस के लिए हो, प्रीमियर के हो या सीपी के लिए हैं। आने वाले समय में हम आपको बीएल वीडियो एडिटिंग, कैपकट, साइन मास्टर, रस, इन सब के ट्यूटोरियल लाने वाले हैं। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा। तो मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की रामा की राम राम।